मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में पुजारी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा थाना इलाके के बूकना गांव का यह मामला है। आपको बता दें कि वारदात में गंभीर रूप से झुलसे पुजारी ने राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने घटना की कड़ी निंदा की है। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमें सर्च अभियान में जुटी हुई हैं। यहां आपको बता दें कि करौली में दो दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर एक मंदिर के पुजारी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। इस वारदात में गंभीर रूप से जख्मी पुजारी को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को कैलाश मीणा को करौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपोटरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वारदात बुधवार सुबह हुई थी। आरोप है कि मंदिर की भूमि पर कब्जा करने के लिए कैलाश मीणा, शंकर, नमो, रामलखन मीणा छप्पर डाल रहे थे। इस दौरान बुजुर्ग पुजारी बाबूलाल ने उनको रोकने की कोशिश की। इस पर आरोपियों ने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इससे पुजारी की बुरी तरह से झुलस गए और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने पुजारी को पहले सपोटरा चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में उपचार के दौरान गुरुवार शाम को पुजारी की मौत हो गई। पुजारी ने मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में बताया कि अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण करने से रोका तो उन्होंने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि मंदिर में अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। गांव वालों की इस मामले में पंचायत भी हुई थी। उसमें पंच पटेलों ने मंदिर भूमि पर कब्जा करने वालों से अतिक्रमण ना करने और कब्जा हटाने को कहा था, लेकिन आरोपियों ने पंच पटेलों की बात नहीं मानी। बुधवार को वे लोग इस भूमि पर छप्पर डालकर कब्जा पुख्ता कर रहे थे। जब पुजारी ने विरोध किया तो इस विभत्य कांड को अंजाम दिया गया। इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी मृदुल काछवा ने आधा दर्जन टीम गठित की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया है। सामने राजकीय चिकित्सालय सपोटरा से सूचना दी थी कि कोई आदमी जलकर भर्ती हुआ है। हम जब वहाँ पहुँचे तो वो जलने के कारण घायल हुआ था, बयान देने की स्थिति में नहीं था। डॉक्टर साहब ने उसको रेफर कर दिया करौली। उसके परिजन करौली नहीं ले जाकर जयपुर ले गए और SMS से बर्न यूनिट में भर्ती करवा दिया उसको। जानकारी में यह आया कि यह बाबूलाल सनो पुनिया वैष्णव था, जो बूकना गांव के मंदिर की सेवा करता था और मंदिर की सेवा करने के कारण गांव वालों ने इसको मंदिर माफी की ज़मीन दे रखी। वो ज़मीन पहाड़ की तलहटी में नीचे थी और उस ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा था पहाड़ का, उसमें ये इसने करीब 20-25 दिन पहले JCB से उसको पहाड़ की थोड़ी ज़मीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी। लेकिन बुकना गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कर्ण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों को ये पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमादा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहां पर जो कुछ कड़वी के, बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा ली। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने, स्वयं द्वारा लगाने या किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हमने जांच अधिकारी जयपुर SMS में उसके बयान लेने के लिए भिजवाया है। इस प्रकरण सर कोई मामला दर्ज हुआ अभी तक? अभी कोई मामला इसमें दर्ज नहीं हुआ, चूँकि उसका जो बच्चा है वो इतना सक्षम नहीं है, मंदबुद्धि, इसके कारण स्वयं तो इंजर्ड हो गया और उसका बच्चा ऐसा है नहीं।
पत्नी उसकी वृद्ध है और इसके जो परिजन है जो समझदार हैं वो उसके साथ में ही उसके पर्चा बयान लिए जाएंगे और रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.